दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सोनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में उतर आया है। उन्होंने अपना एक प्रोटोटाइप, एक कंसेप्ट दिखाया था, तब काफ़ी कमेंट आए थे कि सर, अगर सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होने के साथ एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल यहां लॉन्च कर रही है, तो क्या सैमसंग ऐसा नहीं करेगी? तो बिल्कुल दोस्तों, आज का अपडेट उसी से जुड़ा है। बिल्कुल काफ़ी जो अपडेट आए हैं, दो यहाँ अपडेट निकल कर आए हैं सैमसंग से, तो काफ़ी चांसेज है कि सैमसंग भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एक इलेक्ट्रिकल कार के लिए तैयारी कर रहा है। तो उन दोनों अपडेट पर बात करेंगे। पहला है कि सैमसंग ने जो सोलिड स्टेट बैटरी डेवलप की है, जिससे आपको 800 किलोमीटर तक की रेंज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में मिल जाएगी आराम से, वो कैसे, उस पर बात करेंगे। लास्ट में इन्होंने कंपनी को अक्वायर किया है जिसका नाम है हरमन, और उसके साथ मिलकर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी डिवेलप कर रहे हैं। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में दो ही चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती है, एक तो बैटरी पैक, उसकी मोटर, सेकेंड ये बिल्कुल कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जो कि एक मेन पार्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। शुरू करते हैं पहले अपडेट से, जो है सोलर स्टेट बैटरीज। सैमसंग ने अनाउंस किया कि उनके रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल एडवांस, जो उनका सैमसंग एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या सैमसंग R&D सेंटर है जापान में, वहां पर एक हाई परफॉर्मेंस ऑल सोलर स्टेट बैटरीज को डेवलप किया है। उन्होंने अपनी स्टडी को शो किया है, जो जर्नल है नेचर एनर्जी, इस जर्नल में उन्होंने शो किया है, और वर्ल्ड का लीडिंग साइंटिफिक जर्नल है ये, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जो कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरीज है, उनकी दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि जो उसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमेशा अगर किसी भी तरह से वो पंचर हो जाए, कोई दिक्कत हो, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट या फायर के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी बिल्कुल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया गया, और साथ में एनोड पर इन्होंने सिल्वर कार्बन कोटिंग की है, 5 माइक्रोन की बिल्कुल ये कोटिंग की गई है, जिससे इसकी जो लाइफ है, इसकी सेफ्टी है, डेंसिटी है, वो इस सॉलिड स्टेट बैटरीज का काफ़ी बढ़कर आया है, क्योंकि काफ़ी स्मॉलर साइज है सिल्वर कार्बन एनोड का, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी है, आप यकीन मानोगे दोस्तों, तकरीबन जो आज की डेट की करंट लिथियम आयन बैटरीज है उससे डबल हो गई है, 900 वाट आर पर लीटर इसकी डेंसिटी निकल कर आई है, जो कि तकरीबन अगर मैं कन्वेंशनल बैटरी से जो इसका साइज है ओवरऑल 50% छोटा रह गया, क्योंकि डेंसिटी डबल हो गई है, तो आप उतने ही एनर्जी के लिए आपको उससे आधे साइज का पैक चाहिए। अगर आप उतना ही साइज रखते हैं तो बिल्कुल इसका मतलब आपकी जो रेंज है वो डबल हो गई है। जनरली आज की डेट में जो हाई एंड कार्स हैं वहाँ पर आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, अब क्योंकि यहाँ साइज 50% रह गया है, अगर आप फिर भी आप सेम साइज इस्तेमाल करते हो तो 400+400 यहाँ पर आराम से आप 800 किलोमीटर की रेंज ले सकते हो, जबकि करंटली जो लिथियम आयन बैटरीज है वहाँ पर आपको तकरीबन 450 से 500 वाट पर लीटर की डेंसिटी आपको यहाँ मिलती है। दोस्तों बिल्कुल, एक तो ये अपडेट था सोलर स्टेट बैटरीज को, उसके अलावा इन्होंने हाल में ही एक कंपनी है हरमन, जो कि काफ़ी ऑडियो सिस्टम में, इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है उसमें काम करती है, उसको अक्वायर किया है। तो हम कह सकते हैं कि अब बैटरीज इनके पास है, ये कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इनके पास है, तो काफ़ी चांसेज है कि आने वाले 1-2 साल में एक प्रोटोटाइप या कंसेप्ट सैमसंग भी आपको दिखा दे, काफ़ी चांसेस है। वैसे भी इलेक्ट्रिकल कार बनाना कन्वेंशनल पेट्रोल या डीजल कार मुकाबले के बनाना काफ़ी आसान है, इसी बात को मानते हुए काफ़ी कंपनीज नए देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स इसमें सामने आ रहे हैं, जबकि उनका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट स्टिल वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं स्टार्टअप, एक से एक बढ़िया हाई एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं ग्लोबली। इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली 2-व्हीलर्स में, हाई एंड बाइक्स में काफ़ी स्टार्टअप्स आगे आए हैं, लाइक अल्ट्रा वायलेटी, मेंटीज, हाई एंड व्हीकल्स ये कंपनीज बना रही हैं। तो ये था आज का अपडेट, कुछ नया निकल कर आएगा तो आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।